सभी को ईद मुबारक हो। बरी हैं तो वो लोग आने वाले हैं बस तो '29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. बिल्कुल आसमान में घूमने का तो बहुत कुछ है हमारे पास। यही यहाँ बन रहा है लंच। हमारे 3 शेफ आए हुए हैं। आज तो मैं भी हेल्पर ही हूँ। मैं हूँ शेफ, मेन शेफ है ये। मैं हूँ मेन शेफ, ये मेन शेफ। तू मेन शेफ है। हाँ, खाने में कोई खाने वाला भी तो चाहिए, टेस्ट करने वाला। राइस पापा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोरमा। कोरमा। चाची हेल्प कर रही है, मम्मी कुछ नहीं कर रही। मतलब मम्मी ज्यादा हेल्प कर रही है। अभी ठीक है, परवर से बनाओ। वैसे जिनके नवरात्र चल रहे हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। हाँ गाइस, जिनको नहीं देखना ये बात पहले बोलनी चाहिए हमें, पर हम अगर जिसके नवरात्र चल रहे हैं वो आगे ऐसे 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 2-3 बार आगे स्किप कर दो, हल्का सा बस 2 टैप कर। क्या दिख रहा है? मिठाई चाहिए उसकी। मिठाई नहीं, उसकी सीट पे तुमने सामान रख दिया है भाई। भाभी तो हटाऊं, एक ही बार पानी डाल दूं या फिर अभी से? हट, बैठ जा, बैठ जा। अब ठीक है, अब क्या चाहिए? सीट ये है उसकी। ये क्या मतलब हुआ? उसकी बात तो वही है, सबकी अपनी अपनी होती है ना, एक उसकी आदत है। आ जा भाई, तुम ठीक पे आ जा, ले आपको फोन मिल जाएगा। जा अब सामान हटवा दिए, बैठ भी जा। यार ये पागल है, मैं नहीं हटा रही हूँ। चलो खाना बन गया हो तो जरा लाने का वो कर लो। फोन बजा रहा चाची। ऐसे देखो चावल बन गए हैं। हाँ हाँ, गर्मी बहुत है किचन में। ये भी बन गया, बच्चों को डालते इसमें भेज दो। आ गए हैं आज नए नए कपड़े पहन के, ईद की खुशी में। अपनी ईद है आज, ईद में आएंगे ना। हाँ आज शाम को पार्टी है। क्या खीर खिला दी? खीर तो खा ली, आए ना दुकान पर जा रही हूँ सबके लिए, सबके साथ जाएंगे और क्या। लाइट को खोल दिया उन्होंने। थोड़ी जाती है मुझसे हमेशा, आदत पड़ी हुई है ना अपनी। खाना खा रहे हैं? हाँ आ जाओ आ जाओ। बोलू ईदी मिल गई? हमने तो सलाम बोलू फिक्स हो गया। जैसे बोला ही नहीं जाता, आदत ही बोलू की हो गई है। क्या पियो? खाना तो बता दो कैसा था। बहुत मिस्टर शेफ, आप ही ने बनाया? बहुत बढ़िया बना। पक्का? तो खाने वाले बताएंगे। खाने वाला बताओ। ठीक तो दादी? तभी तो दादी खा रही है। हेल्पर, खाना कैसा था? खाने वाले बताएंगे। बहुत स्वाद लगा। हाँ बहुत स्वाद लगा। गाइस अच्छा था। खत्म हो चुका है बस, सबसे ज्यादा खाने वाले बैठे हैं। गाइस अंशु आ गई है, खन्नू भी आ गई है। खन्नू मेरी एंट्री शाम को दिखाएंगे। ये पर्दे में से कौन सा ब्लॉग दिख रहा है? अंशु आ गया। कैसे? बस ठीक है। क्या चाहिए? क्या आ गया तो कोई बात नहीं, बात दिख रहा है ना, गले मिलते हैं। सो गाइज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अंशु खन्नू आए हुए हैं तो हम तीनों जा रहे हैं कुछ ऐसी फन वन करने, खाना वाना खाने, एंड थोड़ी सी ऐसे शाम को आएंगे ऐसे फन चल करके, बिकॉज घर पे कुछ है ही नहीं तो इस वजह से हम जा रहे हैं बाहर। गाइज चले, चले ईदी मना नहीं करते। थैंक यू, थैंक
ये तो हक से मांगते हैं अंशु। खन्नू को 2500 रुपए बाद में मिलेंगे। खन्नू को रात को मिलेंगे। चलो ठीक है, अच्छा लगा। तो गाइस मैं घूम फिर के आ गई हूँ एंड बस मैं जस्ट आई हूँ, अभी घंटी बज गई है, मेरे ख्याल मम्मी पापा आ गए। वेलकम बैक, ईद मुबारक हो फिर से। ईद मुबारक, पहली ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बैठो बैठो, पानी पियो पानी। और चाचू कैसा रहा? दिन भर का पता ही नहीं लगा है ईद कब शुरू हुई कब खत्म हुई। हमारी ईद तो ऐसे ही मनती है भाई। सही बात है। ये सोचो ना, रियान तो आया भी नहीं सुबह से। नए कपड़े पहनो और चलो अपने काम पे। कोई नहीं, अब आ गए हैं, अब खाना पीना करेंगे। माऊ मामी भी आने वाले हैं, फिर आराम से चिल करेंगे। थक गए आदम सुबह से, सुबह को उठे हुए हैं सारे। मम्मी पापा तो 6 बजे के उठे हुए हैं, मैं 8 बजे उठी थी। और कल फिर 6 बजे उठना है, कल फिर 6 बजे उठना है क्योंकि रियान का कल भी मैच है, फिर मैच है। आज उसका अंडर 12 का मैच था, कल उसका अंडर 10 का मैच है। ये देखो पानी। चलो फटाफट से माई मामू आएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। आने वाले होंगे वो, है ना? और थोड़ी देर 5-10 और आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे, फिर जी करते हैं। खन्नू ईद है, अभी तक तो लग भी नहीं रहा था, अब लग रहा पाकिस्तानी खाया हुआ। हाँ मार्केट में पूरा पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो रहा है ना। ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। लाओ उसकी भी दे दो, लाओ टीवी भी ले आए क्या मम्मी? टीवी भी ले आओ क्या? थैंक यू सो मच। चलो देवी दो, अब फील आ रहा है ईद आई है, अब फील आ रहा है ईद आई है। दोनों की पहली पहली ईद। लाओ दे दो। सही समय मिली है, सुंदर सी घड़ी। वाव बोलना हमें, अभी देखो अच्छी है, सुंदर। मैं कह रही घड़ी टूट भी गई थी हमारी। हेलो गाइस, मोहित तो आ गया। ये ठीक है, वो खोल रहा है, ये खोल रहा है, मुझे पता है इसमें क्या है। सुंदर चाचा, यूज भी करने हैं आप? कोई कमी नहीं, कोई भी आ जाए चम्मच मांग रहे। ले चम्मच, तू कितना लेगा? कौन सा साइज सही है? कलर कितना अच्छा लगा, जो ग्रे आ गया पसंद, कलर अच्छा है। हमारा मेंबर आ गया एक और। ईद मुबारक हो, वैसे ही मिल रहे हैं सबका।
देख तो लो पहले है कौन का। हमारे यहाँ पे व्रत वाले लोग भी आए हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। व्रत वाले हमारे बंदे ही आएगी है, एक ही फैमिली फैमिली। हाँ तो क्योंकि यस मल्होत्रा फैमिली ने व्रत रखा हुआ है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, इस वजह से उनके लिए व्रत की थाली मंगाई है हमने। बन के बस क्या हो गया, रोटी ज्यादा हो गई क्या? कैंची चाचू वहाँ पड़ी होगी। अरे बता दियो मुझे, है शर्म की कोई बात नहीं है। अच्छा कम पड़ेगा तो यार बता देना, ऐसे शर्माना मत। एक बज रहा है, बस हमारी एक रील हो जाए बस। करो तुम लोग कुछ बताओ, बुआ ने बोला व्लॉग बनेगा। चलो गाइस टाटा, यहाँ पे जाने के लिए दो क्या होता है, कौन सी है, कौन सी वर्सल हो रही, क्या होती है, कौन सी हो रही है, यहाँ पे जाने की बात को लेके वो क्यों कंट्रोवर्सी। अरे बहुरी है, कहाँ जा रही हो? बेचारी को 5,000 कह के और बंदूक आ दिया आपको। दिल्ली में टूट देंगे लड़का, मामी पूजा मरोता रहे हैं अपने अपने घर, बाकी कितने रह गए, 8 रह गए। मैं तो बुलाना ही नहीं है, तुम मतलब तो होली भी बुलाया, होली भी नहीं आएंगे बस अपने हालात की वजह से नहीं है। मुझे मैं अपने आप ही मैं जा रही हूँ, दो महीने में से बकायद मिलेगी। ओ भाई 1:30 बज रहा, मेरी बेटी ने पापा तो 2 महीने बाद तो आई है, ये 2 महीने बर्थडे में तो आई थी खालजी के, नहीं रियाज के बर्थडे में चाची बाय नहीं मैं आई थी गाँव से, जब आई 7 तारीख को आई, फरवरी की बात है।